अब आइए आगे बढ़ें। बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज है। कल तेजस्वी के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चार्जशीट हुई है और दूसरी बड़ी हलचल यह है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई है। तो बिल्कुल, ये जो मुलाकात हुई है 1.5 घंटे की मुलाकात, लेकिन कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री दोनों के करीबी माने जाते हैं हरिवंश नारायण। और जब ये मुलाकात हुई है तो कई मायने अब इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं क्योंकि काफी लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई। एकदम से जब ये मुलाकात हुई है दोनों के बीच, तो क्या कुछ इस बैठक के मायने हैं, मुलाकात के मायने हैं, ये भी देखने वाली बात है। ये तीन तस्वीरें, इन तीन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं बिहार की राजनीति को। एक तरफ तो तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है और दूसरी तरफ हरिवंश नारायण की मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। इस्तीफा देने की बात होगी और नहीं देंगे तो इसलिए कहीं मामला पलट ना जाए। नहीं नहीं, कोई ये सब कहीं, ये सब कोई बात नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराना ही मेन उद्देश्य। तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, क्यों देंगे तेजस्वी को इस्तीफा, क्यों देंगे तेजस्वी इस्तीफा? अब तक नीतीश कुमार इस्तीफा लेते रहे, सबको चार्जशीट करते रहिए और सबको गिराते रहिए विकेट, और उसके बाद आप एकदम क्या नाम है, बिना लड़ाइए के जीत जाइएगा। ऐसे तो सबको निकाल दीजिए, सब पर ईडी लगा दीजिए, सब पर सीबीआई लगा दीजिए, सब पर चार्जशीट कर दीजिए, सबको निकालते जाइए मंत्रिमंडल से, और उसके बाद आपको फिर तो कोई नेता ही नहीं बचेगा, सबको भीतर जेल कर दीजिए, उसमें क्या है। तो आपकी सरकार है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू इट। एक आखिरी सवाल, हरिवंश जी के जरिए कहीं नीतीश कुमार प्रेशर तो नहीं बना रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? अरे हरिवंश जी, हरिवंश जी पूरी तरह से जेडीयू के साथ हैं और नेता के हम समझते हैं एमपी सबसे मिल रहे, तो उनके बुलावे पर आए होंगे, मिले होंगे, अपनी बात को रखे होंगे। आपने सुना अशोक चौधरी जी को कि किस तरह से नीतीश कुमार को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं भी नहीं है और उन्हें डिमोलाइज करने के लिए ऐसे शगुफे छोड़े जा रहे हैं, कि क्या वाकई में हरिवंश के बहाने नीतीश कुमार महागठबंधन और कांग्रेस पर प्रेशर बना रहे हैं? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। तो देखिए, लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जो मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की हरिवंश के साथ में, उपसभापति के साथ में, उसको लेकर भी अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत आखिर हुई क्या। मुलाकात तो हुई है लेकिन बात क्या हुई। बिहार में उठापटक के बीच में मंत्री अशोक चौधरी बोले हैं, उनकी बात हमने आपको सुनवाई। हरिवंश जेडीयू के साथ है, ये मंत्री अशोक चौधरी ने बात कही है। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो हुआ है अब उसका असर कहीं ना कहीं बिहार में भी पड़ सकता है, ये बात भी सामने आ रही है। इस बीच में मुलाकात हुई है उपसभापति हरिवंश की नीतीश कुमार के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।